हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग प्याज की पकौड़ी बनाया जा रहे हैं। चलिए देखते हैं हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अजवाइन, हींग, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, नमक, आमचूर पाउडर, कटे हुए मिर्चे, पुदीना, एक कटोरी बेसन, एक कटोरी चावल का आटा, कटा हुआ प्याज और पानी। अब हम लोग बाउल में चावल का आटा डालेंगे, फिर बेसन, फिर कटे हुए मिर्चे, नमक, फिर सारे मसाले, आमचूर पाउडर, फिर हम लोग इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका अच्छे से घोल बना लेंगे, और ना ही घोल ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। अब हम इसमें पुदीना डाल लेंगे और कटा हुआ प्याज डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। कढ़ाई में तेल डालकर गरम कर लें और फिर उसमें पकौड़े का बैटर डाल लें। बैटर डालने के बाद पकौड़ियों को दोनों तरफ से पलट पलट के पका लेंगे। पकौड़ियाँ हमारी दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी की तरह आप सारी पकौड़ियाँ बना लें। हमारी प्याज की पकौड़ी तैयार है। अब आप इसे चटनी और चाय के साथ खा सकते हैं।